नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ, आजकल इंट्रो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, बट अच्छा है ना। आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरा नाइट रूटीन, इवनिंग रूटीन, जो बोलना है बोल लो। स्कूल ख़त्म हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। हम लोग का स्कूल 1:30 तक ख़त्म हो जाता है, अभी 3:30 होने में 3 मिनट बचे हैं। मैं अभी चेक करके आई, सच्ची बोल रही हूँ। और आज शाम को मेरे दो क्लासेस है, ऐसे रोज़ नहीं होते। आज आज है, एक 4 बजे से और एक 6 बजे से, देखते हैं कैसा जाता है। और आपको दिख ही रहा होगा मेरा ट्राईपॉड आ चुका है, तो मैं इसको घर में कहीं पर भी प्लेस कर सकती हूँ। पहले वरना वाटर बॉटल के ऊपर रहता था, वरना वो प्रिंटर के ऊपर रहता था। सारे फिक्स्ड फिक्स्ड जगहें थी, पर अब मैं कहीं भी रख सकती हूँ। जैसे अभी विंडो के सामने लाइटिंग अच्छी है। आज क्या क्या हुआ मैं बताऊँ? अरे, मैं टेबल का हालत अभी बहुत ख़राब है, उसको हम लोग अभी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं थोड़ा थोड़ा। और पता है, मैं अभी नहा के आया, मेरे बाल पूरे गीले, मैंने शैम्पू किया था। सोचो, मैंने दोनों साइड से वो टैप खोला, एक तरफ से ठंडा आता एक तरफ से गर्म आता। नीचे में एक तो बाल्टी था, तो मतलब मैंने दोनों खोल दिया। फिर मेरे को पता नहीं कौन से डायरेक्शन में क्या खुलता है, क्योंकि अभी नई हूँ यहाँ। तो एक बाल्टी भरता है, फिर मैं बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, बंद हो ही नहीं रहा। मेरा पानी आ रहा आ रहा आ रहा। फिर मैं फटाफट जाके दूसरा बाल्टी ला कर मैंने लगाया, फिर आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। और मैं उसको फिर एक तरफ बंद कर रही हूँ, फिर सोचो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के एंड में जा रही हूँ, नहीं हो रहा तो उस डायरेक्शन के एंड में जा रही हूँ। इतने सारे पॉसिबिलिटीज थे, क्योंकि इतने सारे टाइप से। फिर मैंने बाकी भी ट्राई किया, मेरे को याद है मैंने बाकी को तो टच ही नहीं किया था। फिर मैंने वो दोनों पे ही किए, मेरे से बंद नहीं हो रहा। फिर मैं चिल्ला चिल्ला के बाहर से जम कर बोला, अरे बंद कर दो प्लीज़, वो कर दे बंद कर। लकीली वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बाल्टियाँ थी, तो पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ, पर सारे ऊपर तक भरे गए थे। मैं शाम को ऐसे कभी नहाती नहीं हूँ, आज दिन में थोड़ा लेट हो गया था तो इसलिए। अभी चलो थोड़ा टेबल वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, देखते हैं और क्या करना है। केमिस्ट्री में तो हालत मेरा भी बहुत खराब है, मतलब बहुत खराब नहीं है, क्लासेस के हिसाब से थोड़ा सा खराब है, पर बहुत खराब नहीं है। मैंने जितना पढ़ा मुझे अच्छे से समझ आया। चलो एक छोटा सा टेबल टूर दिखाती हूँ, चलो। ये टेबल है, टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ है, और यहाँ पास में जाओ तो एक स्केल मिलेगा, ग्रीन पेन, रेड पेन, येलो हाइलाइटर। ये वाला कंपनी का मत खरीदना, मुझे पसंद नहीं है, पर मैंने खरीद लिया तो मुझे ख़त्म करना है। एक इरेजर, ये कितने लोगों ने कमेंट्स में पूछा था लास्ट टाइम, ये करेक्शन टेप है नॉर्मल। ये वो स्टिकिंग नोट्स जो मैंने वो डेली रूटीन में दिखाया था, और ये मच्छरों से बचने के लिए। फ़ोन, मैथ्स होमवर्क कॉपी, मैथ्स क्लास वर्क कॉपी, बुक, थोड़े पेपर्स हैं, पता नहीं क्या पेपर्स हैं, पेंसिल, दो ब्लैक पेन, स्केल। एक ख़त्म हो जाए तो ये काम आएगा, उतना नहीं पड़ेगा क्लास के बीच में। ये मेरा पुराना स्कूल का मैगजीन है, मैं लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को 2-3 चीज़ें दिखानी थी इसमें। क्लास वर्क कॉपी 1, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, क्लास वर्क कॉपी असली वाली, और एक छोटी सी बुक। ये मेरे को पता है किसकी वाइब्स दे रहा है, कमेंट्स में एक जन ने पूछा था, हाउ डू यू हैव सच क्लियर स्किन। फिर मेरे को लगा ये सब पूरा कैमरा का वो है, ऐसे इतना भी कुछ गुड नहीं है, बट अच्छा लगता है मेरे को तो। पानी पियो, हेल्दी खाओ, और एक और बहुत महान टिप जो कहीं नहीं मिलेगा तुमको, अपना पिलो का कवर, अगर आप पिलो पे माथा रखते हो या फिर मेरे केस में बेड पे माथा रखते हो, तब जो भी चीज़ पे अपना हेड रखते हो ना, वो रेगुलरली चेंज करो। जैसे बेड कवर हो गया या फिर पिलो कवर हो गया, पता नहीं काम करता है। लेकिन 51 हो रही है इसका, पता है ये स्क्रीन हमेशा चेंज होता है, देखो ये देखो इतने सारे, पहले कलर्स आते थे, अभी सब अजीब अजीब आइटम्स आने लग गए। सच में टेढ़ा हो जाएगा इस चक्कर में। मैंने एक चीज़ अभी रिसेंटली स्टार्ट किया करना, और मेरे को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लगा, तो मैं बताती हूँ। ये नोट्स ऐप होता है लैपटॉप में, आप वर्ड फाइल में भी कर सकते हो, बात एक ही है, डिपेंड करता है, बात एक ही है।
हम लोग का जो भी क्लासेस होते हैं स्कूल की या जो भी हो, स्कूल की नहीं करती मैं, पर अगर कोई और क्लासेस होती है मेरी तो मैं ये नोट में एक फाइल बना के रखा है हर सब्जेक्ट के लिए, डेट डाल के क्या क्या चीज़ें हुई थी और क्या क्या होमवर्क मिला, ये मैं नोट डाउन कर लेती हूँ वरना मैं भूल जाऊँगी। और ये बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा बिकॉज जब से मैंने करना स्टार्ट किया तब से मेरे को हर क्लास के पहले 2-4 मिनट आके देखना ही पड़ता है कि लास्ट क्लास में क्या हुआ, तो थोड़ा सा आइडिया भी लग जाता है कि कहाँ से कहाँ कंटिन्यू करना है, क्योंकि बहुत गैप्स हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी क्लासेस के बीच बीच में, और जैसे एक क्लास आज हुआ फिर मे बी 5-6 डेज बाद है नेक्स्ट क्लास, कुछ भी हो सका नहीं। तो वही वर्कशीट मिला है एक जो मैंने किया है, काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए, और ग्राफ स्टार्ट की थी। आई एम श्योर हर क्लास के एंड में आपके टीचर आपको बताते हैं कि वो नेक्स्ट क्लास क्या कराने वाले, और नेक्स्ट क्लास आते आते किसी को कुछ याद नहीं रहता, वो लिखा हुआ रहेगा ना याद रहेगा, और कोई बुक में लिखो तो कहीं ना कहीं खो जाता है, और इसमें ना सब कुछ एक साथ है, तो सो रिवाइज एवरी थिंग डायरेक्टेड लाओ, तो वो कम्प्लीट करना है, पता नहीं मुझे याद याद मैंने किया कि नहीं किया। ये चैप्टर कंटिन्यू हुआ था, सम्स कर रहे थे थोड़ी बहुत, आई मेड लिटिल नोट्स ओनली बट आई डिडन्ट पे अटेंशन, जॉइंड अ ग्रुप, आस्क अदर्स फॉर PDF नोट्स, ओके टिक। अब पता है बहुत लोगों ने मेरे को पूछा कि डमी बेटर है या नॉर्मल्स, मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ मेरे को मत पूछो। मतलब मेरे को बिगिनिंग से ही डमी का था, फिर बाकी लोगों का था कि नहीं नॉर्मल स्कूल कर लो अच्छा होता है, ये होता है वो होता है, बट अब नॉर्मल स्कूल ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा एकदम, नॉर्मल स्कूल ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन होमवर्क इतना मिलता है, टेस्ट लेते हैं, तो अभी के हिसाब से मेरे को लग रहा है डमी बेस्ट रहता है, बट पता नहीं, डिपेंड करता है हर पर्सन के नीड्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, तो हो सकता है आपके लिए डमी बेटर हो सकता है आपके लिए स्कूल नॉर्मल वाली बेटर हो, चल हम ज्वाइन करते हैं। क्लास ज्वाइन कर लूँ, क्लास स्टार्ट हो गई है, मेरे को मैगजीन दिखाना था वो मैं थोड़ी देर बाद दिखा, फर्स्ट क्लास जस्ट एंडेड, इट्स 5:38 राइट नाउ एंड आई एम गोना गो हैव डिनर, आई डोंट हैव मच टाइम के बीच में, सो आई गो ईट फटाफट एंड दिस इज व्हाट आई एट, आई एम नॉट टेकिंग माय कैमरा नीचे, आई जस्ट इंसर्ट अ पिक, ओह नो, आई थिंक आई पुट इन द मीटिंग आईडी लिंक, माय क्लास इज ऑलमोस्ट स्टार्टेड, आई गॉट माय ग्राफ बुक आल्सो टुडे बट वी डिडंट नीड इट, पता नहीं क्या माथा खराब है मेरे। ये मेरा क्लास 10th है एक्चुअली, मैंने सोचते मोर कॉन्सेप्ट क्या है वो क्या है, मेरी क्लास 10th है एक्चुअली, और थोड़े पेजेस बचे थे लेकिन मैंने हिंदी एक और कॉपी थी आधी फ्री थी उसमें से मैंने फ्रंट के पेजेस निकाले तो बुक टेढ़ा हो गया, तो उसको फ्लिपिंग में फिर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसमें मैंने क्या किया वो पॉइंटर लगा के और 9 का रहने दिया और 10 का रहने दिया, और एक और रीज़न है कि कभी कभी काम भी आ सकता है, वो वाली बुक का काम नहीं आता, तो चश्मा गया। मैंने केमिस्ट्री की दूसरी नोट्स कॉपी बनाई है, मुझे कुछ लर्न नहीं हुआ है अभी, एक बार रिवाइज कर लेती हूँ क्लास के पहले, एक बार क्लास के पहले रिवाइज कर लेती हूँ फिर देखते क्या करना है, और बाहर अभी गाना चल रहा है, यहाँ पे रोज ही चलता रहता है कुछ ना कुछ, इसलिए कमेंट्स आते हैं कि नॉइज आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, कैमरा नॉइज के हिसाब से ही लेता है, और नॉइज रिडक्शन में वो तभी जाएगा जब उसका वॉल्यूम नीचे होगा मेरा वॉल्यूम, तो मेरा वॉल्यूम इतना ऊपर नहीं होता। नो, मैंने खाना का पिक्चर नहीं खींचा, मैंने खाया है डोसा, मैंने क्या खाया, मैंने खाया है डोसा, फली की सब्जी, परवल का सब्जी, फिर वो चटनी, क्या चटनी थी आज, इसमें वो नारियल वाले पीसेस भी नहीं थे, मुझे पसंद नहीं एकदम भी, एकदम प्लेन चटनी थी, आई थिंक चना और नारियल का चटनी, पूरा बाटी भर के दाल, दाल और डोसा और सांभर नहीं दाल खा गए, लोग सोचते होंगे ना इतना वियर्ड है सब्जी रोटी की जगह सब्जी डोसा खा गए, मुझे डोसा बहुत पसंद है, मैं क्या करूँ, बाल इतने कर्ली हो गए नहीं,
मेरे एक्चुअली बाल हमेशा ऐसे ही होते हैं, जब मैं नहा लूँ धो लूँ पर एकदम तुरंत बांध लूँ नहीं तो सही है यार। एक टिप है, हेयर केयर टिप, हैशटैग ब्यूटी इन्फ्लुएंजा। सॉरी मेरे जोक्स बहुत साइंसी है, सॉरी। मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। मैं क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी। ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो जाता है कभी कभी, इसको नहीं चाहिए। हाँ तो मैं बोल रही थी एक हेयर केयर टिप। हाँ, आपका बाल अगर स्ट्रेट है स्ट्रेट रहने दो, कर्ली है कर्ली रहने दो, वेवी है वेवी रहने दो, आयरन वो स्ट्रेटनिंग आयरन कर्लिंग आयरन जो भी आप यूज़ करते हो, और जो ट्रीटमेंट्स होते हैं क्लास का टाइम हो गया, और जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना लोग पार्लर में जाके करवाते हैं वो सब मत कराया करो, एक बार के लिए अच्छा कर देगा लेकिन ओवरऑल नॉट वर्थ इट। मैंने भी पहले एक बार करवाया था, बैड एक्सपीरियंस। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। माय क्लास, आई डोंट नो इफ इट्स फोकसिंग ऑन नॉट बिकॉज़ आई कांट सी क्लियरली एवरी, आई डोंट नो समथिंग वेंट इनसाइड माय आई। क्लास अब देखो, आई थिंक मच बेटर। माय फोन गॉट डिस्चार्ज्ड बीच में ओनली। Seven. It's 7:36 right now. I have about an hour before I have to start getting ready to sleep because I sleep at around 9:30-ish. Before that, I have to do my exercises, all of that. Abhi I'll sit and revise little bit of maths. I'm planning to just edit this video today and just get it over with. Okay, so abhi I remember what all I said, so it'll take me about 10-15 minutes to edit. Yeah. इफ आई एडिट दिस वीडियो कल परसों तब तो गया आधी घंटा एक घंटा लग जासी, तो आज ही करना है उसे भी, तो अभी मेरे पास बना आ रहा है, इसको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता, हाफ एन आवर में रिविजन हो जाती है बस। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे 1 PM और I'll see you next time. Don't forget to subscribe, like and follow me on Instagram @nehalpet_. Yeah. Oh, wait a second. I was supposed to show you this now. Wait. What? Next video mein I'll show close up. But abhi I'll show you what I was talking about so you get to know. Wait a second. This is my classmate. When did this happen? Wait a second. ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया। ना हम लोग की बैच की एक लड़की सीनियर स्कूल का यूनिफॉर्म पहनी हुई है, पर ये है क्लास 9 का, किसी और का यूनिफॉर्म बोरो करके पहनी है। अरे कब का है ये, इंडिपेंडेंस डे का है। अच्छा जी, मेरे को क्या दिखाना था, मेरे को भूल गई, याद आ गया। यू सी दिस ड्राइंग, गेस हु डिड दैट, मी। बाकी सारे ड्राइंग्स देखो, पता नहीं अभी क्लियरली दिख रहा होगा कि नहीं, बट एक दिन दूसरे दिन क्लोजअप दिखा दूंगी कभी और। मेरा ड्राइंग आया है, कितनी बड़ी शो ऑफ है। जो भी हो, मेरा ड्राइंग आई थिंक फर्स्ट टाइम ही आया होगा क्लास नाइन का मैगजीन, इट इज़ हाउस 19-20 और पता नहीं इसमें पिक्चर्स कहाँ से आया, ऑनलाइन था ना, नहीं 2020 ऑनलाइन था, बहुत कन्फ्यूजन है। अरे पता है मैं वो प्रीबोर्ड्स वीडियो एडिट कर रही थी उस दिन, प्रीबोर्ड्स का वीक नहीं, प्रीबोर्ड्स का एक्चुअल ओरिजिनल रिएक्शन वीडियो। अरे पता नहीं फिर अब वो खुल ही नहीं रहा फाइल मेरे से, आई थिंक वो टेंट वाला वीडियो के साथ भी एक बार हुआ था, पर वो अपने आप ही 2-3 दिन बाद आ गया था वापस। पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी मेरे क्लिप्स को, तो देखते हैं अगर ये वापस अपने आप आ जाए तो ठीक है, वापस एडिट करने का हिम्मत तो नहीं है मेरे में, बहुत टाइम लगा था उसमें, 1-1.5 घंटा का फुटेज होता था उस टाइम, बाबा रे अभी इतना नहीं आता, अभी 10-15 मिनट्स मैक्सिमम, 20 मिनट्स उतना भी, 15 मिनट्स इंक्लूडिंग वो लंबा क्लिप्स, मतलब वो जो टाइम लैप्स वाले होते हैं ना, 1-2 मिनट रिकॉर्ड होते हैं डायरेक्ट सीधा, हाँ वही दिखाना था मुझे। और मेरा 1-2 जगह नाम भी आया है चाणक हाउस का सेक्शन में, वो हाउस वाला सेक्शन होता है ना, वहाँ पे एक जगह मेरा नाम भी आया है इसमें। ऐसे नाम तो बहुत बार पहले भी आया है, स्विमिंग बैडमिंटन एथलेटिक्स ये 3 जगह तो आती ही थी हमेशा, टेनिकॉइटी में भी 1-2 बार शायद आया मैं पहले, पर इस बार मेरे को बैडमिंटन से हटा दी वो टीचर, मेरे को
एथलेटिक्स से हटा दिए जब वो भी मिला था, सर्टिफिकेट वगैरह भी मिला था स्पोर्ट्स डे का वगैरह का, तो सिर्फ स्विमिंग में वो बची हुई मैं। वो टीचर को बहुत ज़्यादा दुश्मन नहीं है मेरे को लगता है, हर जगह पता नहीं हर जगह से हटा दी मेरे को, तो कोई नहीं चलो पिक्चर्स में भी मैं कहीं नहीं हूँ, मेरा फेस है ही नहीं है पूरे मैगजीन में, पर हर साल एक दो जगह तो होता ही है कुछ नहीं करने का, ऐसा फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन यू नो होता है जो भी है। अब मैं जा रही हूँ, गुड नाइट, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई लव यू सो मच, बाय।